पहले भाई खबर चल जाए बधाई हो आपको। सूरज सामने रखिए। आप फूलपुर से आपकी जीत हुई है, कितनी कार्यकर्ताओं को अपने सभी को कितनी बधाई देना चाहते हैं? बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये लोकसभा चुनाव से भी इसको बड़ी जीत माना जा रहा है, 10,000 प्लस वोटों से आप जीते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कद बड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे इस जीत को लेकर के? ये सब जनता जनार्दन का आशीर्वाद था, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था, पार्टी के पदाधिकारियों का आशीर्वाद था, सबको बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद। फूलपुर में एम्स की बात हो रही है, तो क्या इस बात को आगे ले जाएंगे? बिल्कुल, बड़े काम हुए हैं फूलपुर के अंदर, रिंग रोड बन रहा है, फूलपुर का स्टेशन बन रहा है, विकास बहुत हो रहा है, पट्टी का पुल हम लोग ने प्रस्तावित किया है, बड़े काम हुए हैं, एम्स की बात भी करेंगे। पहले आपको विजयी हुए हैं उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन फूलपुर की जनता चाहती है कि विकास पुरुष चुना जाए। बिल्कुल, तो क्या उस पर खड़े उतरेंगे? इसी मुद्दे पे चुनाव हुआ, विकास के मुद्दे पे ही चुनाव हुआ। विकास पुरुष दीपक पटेल, हमारे माननीय हमारी माता जी वहाँ सांसद रही और उन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव विकास के दिए थे, मुख्यमंत्री जी ने सब स्वीकार किए। भाई प्रवीण जी जो हमसे पहले विधायक रहे, उन्होंने भी विकास के लिए काफी प्रयास किया, तो विकास तो ये कृपा है कि डबल इंजन की सरकार है और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद इस विधानसभा पर। वहाँ पर नगर निगम भी बढ़ रहा है, स्मार्ट सिटी को शहर बढ़ रहा है, तो उस क्षेत्र की दिशा में भी वहाँ जो शहरी लोग हैं और ग्रामीण लोग हैं दोनों के लिए कुछ विशेष योजनाएं लाएंगे? हाँ बिल्कुल, जो प्रयास होगा जनता के विकास के, जो प्रयास जो भी कमियाँ हैं भरकर प्रयास होगा। प्रतिष्ठा थी, हाँ जी बिल्कुल, ये बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल था, 2027 को भी आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, और ये चुनाव एक संदेश दे रहा है, 2027 का ये संकेत है और संदेश है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मेहनत किया है, सभी पदाधिकारी मेहनत के जो जिसको यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। आज यह जीत ईमानदारी का है, यह जीत विकास का है, यह जीत योगी जी का है, यह जीत केशव जी का है, यह जीत नरेंद्र मोदी का है, यह जीत हमारे समस्त पदाधिकारी फूलपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश के जितने हमारे रखे सचान त्रिमंग से लेकर सभी लोग लगे थे, हमारे सबका अमरपाल मौर्य से लेकर सभी लोगों का जीत है, भूपेन जी से लेकर सभी प्रशीर्ष नेतृत्व की जीत है। निश्चित तौर पर यह जीत एक विकास का है, जिस तरीके पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा था, जगह जगह पे चिल्ला के कह रहा था, वो किसी के सगा नहीं है, वो कहता मुझे समाजपासी कोर्ट नहीं चाहिए, अब तक बस पंत समाजपासी कोर्ट लेके चुनाव जीता, मगर वो देख रहे कि उसका चरित्र उजागर हो गया कि हम हाथ मिलाते हैं, लाइफ बार से धुलते हैं, फिर सेंट्राइज से धुलते हैं, तमाम चीज़ करते हैं, मैं उसके बारे में भी मैं बोला करता था, आँख से दिखाई नहीं देता, जबान से बोल नहीं पाता, पैर से चल नहीं पाता, कान से सुन नहीं पाता, ऐसे डमी कैंडिडेट लड़ाए थे कहीं कोई मतलब नहीं है। अखिलेश को यह साबित हो गया उनका हताशा कि कोई भी कैंडिडेट लड़ेगा फूलपुर से समाजवादी या पीडीए से तो जीत नहीं पाएगा, वो जीतेगा सिर्फ प्रयागराज की धरती पर, फूलपुर का भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। आपकी लोगों तरफ दो नारा दिया जाता था, सबका विकास सबका साथ, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, नहीं नहीं एक रहेंगे सेफ रहेंगे, नहीं रहेंगे दिक्कत क्या है, कटो बटोगे तो कटोगे, तो हमारी एकता है, जिस तरीके अनुसूचित वर्ग के शब्दों के उन्होंने चमारपासी शब्द बोला, आज वो दलित अपनी ताकत दिखा दिया, धोबी चमारपासी खटे खेला अधिकार सभी अपनी ताकत को अंदाजा बता दिया कि नहीं हम है तो भाजपा के साथ है, ये जीत आपको ठोक दे रहा, अब जाओ मांगो जिससे वोट मांगना। जो नारे आपने दिए कि बटोगे तो कटोगे, हाँ तो ये पूरी तरह से ये पूरी तरह कारगर है, पूरी तरह कारगर रहेगा, हम लोग एक हैं, अगर एक नहीं लगे बिल्कुल कटूंगा, घबराएगा, आने वाला भविष्य ठीक नहीं रहेगा, आने वाला 27 है, आने वाला 27 हम जीते हुए 29 में जीते, कहीं कोई डायरी में लिख ले आज के डेट से। सुरेन चौधरी MLC भारतीय जनता पार्टी, और इनका कहना है कि उनकी नीति जो थी, उनके जो नारे थे, उनके जो वादे थे, वह पूरी तरह से कारगर रहे और भारतीय जनता पार्टी यह उपचुनाव ही नहीं, आने वाले 2027 का विधानसभा चुनाव भी इसी तेजी के साथ, इसी सदगर्मी के साथ और इसी जोशो जज्बा के साथ जीतेगी। संजीव कुमार के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ, शिवपूजन सिंह, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।